इसमें भी कुछ भी नहीं बना। ये भी खराब है। ये भी खराब। ये सातों के सातों अंडे खराब। इनमें चूजा बिल्कुल भी बना ही नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का व्लॉग करते हैं शुरू। आए आप सब दोस्तों को पिजन की अपडेट देता हूँ। दरवाज़ा हमने खोल दिया है। ये जो ब्लैक टेल जो हम कल लेके आए थे, ये देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो मेरा इरादा है कि हम और लेके आए। बाकी देखते हैं कि आबद भाई ने जो हमसे चेंजिंग करवाई थी उसका कोई फ़ायदा भी है या नहीं। ये जोड़ा है बैठा हुआ है अंदर। ओ माशाल्लाह माशाल्लाह, इन्होंने अंडा भी दिया हुआ है। मैं अभी आबद भाई को कॉल करके बताता हूँ कि हमारे एक और पिजन ने अंडा दे दिया है। ये देखें, हमने सब पिजन बाहर छोड़ दिए हैं। ये कैसे घूम रहे हैं इधर। आते ही इन्होंने पहले पानी पीना शुरू किया है। वो हमारे ब्लैक टेल, ये देखें ब्लैक टेल लगे भी आ गए हैं। ये देखें कैसे उड़ता हुआ आया है। यार ये बहुत खूबसूरत लग रहे हैं मुझे। हम और लेके आएंगे। यार रैबिट को हम छत पे नहीं छोड़ेंगे, ये ना पिजन्स को उड़ा देते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारे ये जो न्यू ब्लैक टेल है ना, ये उड़ जाएं तो मुझसे ये पकड़े नहीं जाएं। तो हम इनको अंदर ही चारा डाल देते हैं। ये इनका चारा पड़ा है। ये दरवाज़ा खोल के हम इनको ना अंदर ही डाल देते हैं। ये हमने इनको अंदर ही चारा डाल दिया और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। जब ये बाहर जाते हैं ना तो ये पिजन्स को डरा के ना उड़ा देते हैं। वो समझते हैं कि ये शायद बिल्ली है। यार हमारी जो ब्लैक टेल फीमेल थी ना, उसकी एक आंख खराब हो गई है, तो हम आपको दिखाते हैं वो। ये देखें, ये इसकी आंख बिल्कुल ठीक है, और ये देखें ये वाली इसकी आंख ना खराब हो गई है। तो इसका ना हम कोई इलाज करते हैं। आबद भाई इसका कोई हल है आपके पास? इसकी आंख में ड्रॉप डालते हैं, ड्रॉप मिल जाते हैं बाजार से। चले फिर वो लेके आते हैं। चलो ये मेडिसिन है, ये हम ले आए हैं, तो इसकी आंख में हम डालते हैं। ये ना दिन में दो तीन दफा डालनी पड़ेगी, तो इंशाल्लाह ये एक आध दिन में ना ठीक हो जाएगी। तो हम फिर आपको दिखाएंगे। आबद भाई बस ठीक है, आप इसे ना कैज में छोड़ दो। चलो ये देखें इधर पिजन फिर रहे हैं, और ये देखें इधर बिल्ली के काम। ये छुप के बैठी हुई है कि मैं ना किसी पिजन को पकड़ लूँ। ये देखें इसके काम, हम अभी इसे भगाते हैं। वो देखें भाग गई है। हमने कल से चूजों को कुछ भी नहीं दिया, तो आज हम उनको गुड़ वाला पानी देंगे। ये गुड़ मिक्स हमने कर दिया है। ये पानी तो ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं ये कितना कुछ ब्लैक होता है। तो अगर हम इसको ना कुंडी में डालेंगे तो चूजों से पिया नहीं जाएगा। तो हम इसे ना वाटर बोतल में ना इनको डाल के ना अंदर रख देंगे पानी। अभी डालते हैं। ये पानी में ले आए हैं। ये देखें मुर्गी कैसे पानी का वेट कर रही है। तो पानी हम इनको रख देते हैं। ये बाहर नहीं आना, अंदर ही रखूँगा। ये पानी हमने इनको रख दिया है। चलो पीछे चलो 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 चलो, शाबाश पीछे चलो। ये अब देखते हैं कि चूजे भी पीते हैं या नहीं। ये देखें चूजे भी पी रहे हैं। अभी उनको अच्छे तरीके से पता नहीं है, लेकिन वो भी पीने की कोशिश कर रहे हैं। वो देख रहे हैं ये क्या चीज़ है। पिजन साहब खुद ही अंदर चले गए हैं, तो अब हम दरवाज़ा बंद कर देते हैं और देखते हैं वो पिजन अपने अंडे पे बैठी है या नहीं। ये देखें वो कलर वाली ना अपने अंडे पे फिर बैठ गई जाके। यार ये देखें रैबिट हमसे बहुत नाराज़ हैं कि हमने इनको बाहर क्यों नहीं छोड़ा। तो हम इनको बाहर छोड़ देते हैं ताकि ये खुश हो जाएं। पिजन तो हमने बंद कर दिए हैं। चलो आ जाओ बाहर। ये देखें आ गए हैं बाहर। यार ये ब्लैक टेल को ना हमारे घर आए हुए दो तीन दिन हो गए हैं, तो ये इस खाने में से किसी खाने में भी नहीं बैठ रहे। मुझे लगता है कि ये खाने छोटे हैं इनके लिए, क्योंकि इनकी ना ये टेल ज़्यादा बड़ी होती है दूसरों से, तो इसलिए ये नहीं बैठ रहे। तो हम ना इनके बैठने के लिए कोई इंतजाम करते हैं। आबद भाई आपके लिए खुशखबरी है। क्या मुर्गा लेकर आए हो आदिल भाई? नहीं, मुर्गा तो आपको साथ ले जाके ही लेके आऊंगा। और है तो और क्या खुशखबरी, वो खुद ही देख लो। आबद भाई दिए वो देखे फिर। माशाल्लाह इसने और एक दिन में रिजल्ट मिल गया हमें। हमने खाने की सेटिंग चेंज की है, तो हमें रिजल्ट अच्छा मिल गया माशाल्लाह। एक ने और ने अंडे दे दिए। चलो आबद भाई, जो हम ब्लैक टेल लेके आए थे ना, वो कहीं नहीं बैठ रहे, तो उनका क्या करना है? तो वो भाई जिसमें हमने मुर्गी बिठाई थी वो किधर है? उसमें बैठ जाएंगे, उसमें अच्छे और खूबसूरत भी लगेंगे। चलो फिर उसमें बिठा देते हैं। चलो ठीक। आबद भाई इसको किधर रखना है? इधर रखना है हमने अच्छे से इसको कवर। अगर आबद भाई ये किसी के ऊपर ना गिर जाए इनमें से। नहीं गिरते, ये इधर में जिसमें काम करेंगे।
आप भाई देख लेना, मुझे डर है कहीं गिर ना जाए। नहीं भाई गिरते नहीं गिरते। ये हमने अच्छे से लगा दिया, अब ये नहीं गिरेंगे। यार ये देखें, ये तो फौरन उसमें जाके बैठ गए हैं, वो इधर किसी खाने में नहीं बैठ रहे थे। अब हम मुर्गी को और चूजों को ना बाहर निकालते हैं। ये मुर्गी और चूजों को ना हमने पानी इसमें रखा है, इसमें चूजे तो पानी आराम से पी लेते हैं, तो मुर्गी से पानी पिया नहीं जाता। तो अगर हम ना बड़ी कैन रखे ना इसमें, तो फिर ये चूजे जो गीले हो जाएंगे पानी में, तो इसलिए ना हम मुर्गी के लिए ये लेकर आए हैं। तो ये हम इसमें लगा देंगे अभी। ये देखें, अब इसमें ना हम पानी डालेंगे, इसमें चूजे ना गीले नहीं होंगे, तो ऐसे हम बंद कर दिया करेंगे, तो मुर्गी आसानी से पानी पी लिया करेगी। ये मुर्गी और चूजों को हमने बाहर निकाल दिया है, तो इनके लिए हम चावल लेकर आए हैं, वो हम इनको खिला देते हैं, इधर डाल देते हैं, ये खुद ही खा लेंगे। ये देखें चूजे चावल कितने शौक से खा रहे हैं। मुर्गी को हम इधर ही रहने देते हैं। तो अब 7 अंडे अभी रहते थे, तो मुर्गी ने वो छोड़ दिए हुए हैं, तो अब हम ना मैं और आबद भाई उनको तोड़ के देखते हैं उनमें बच्चे हैं या नहीं। मुर्गी ने ना अपने अंडे छोड़ दिए हुए हैं, तो हम ना मुर्गी के अंडे तोड़ लेते हैं। आबद भाई अंडे बाहर लेकर आओ, उनको ना तोड़े उनको। ये देखें, ये 7 अंडे मुर्गी ने छोड़ दिए हुए हैं, तो अब हम ना इनको तोड़ के देखते हैं इनमें क्या है, चूजे हैं या खराब है। यार इनकी कितनी स्मेल आ रही है, ये तो खराब है, ये तो बिल्कुल खराब है। ये दूसरा भी खराब है। ये 3 अंडे मैंने तोड़ दिए, ये 3 के 3 ही खराब है। ये चौथा है। ये भी खराब है, इनमें से स्मेल बहुत ज्यादा आ रही है। इसमें भी कुछ भी नहीं बना। ये भी खराब है। ये 7 के 7 अंडे खराब, इनमें चूजा बिल्कुल भी बना ही नहीं है। चूंच से उठा के ना चूजों को दे रही है उधर ऊपर ही, वो देखें चूंच से उठा के ना उधर फेंक देती है लेके जाके, तो चूजे फिर खाते हैं।